नमस्कार साथियों, मैं रामबाबू पटेल तेलसर। आज हम राग बिलावल को समझने वाले हैं। कर्नाटक पद्धति में इसको शंकराभरण भी कहते हैं। जो राग बिलावल है ये थाट बिलावल का आश्रय राग है। इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है, लेकिन इसको वक्र संपूर्ण कहेंगे। वक्र संपूर्ण, आगे चल के मैं बताऊंगा कि वक्र संपूर्ण क्या होता है। इसके जो न्यास के स्वर हैं, यानी जहां हम ठहराव करेंगे, रे ग पा, न्यास के स्वर यानी जहां पर हम रुकेंगे। आरोह एक तो साधारण तरीके से आरोह कर सकते हैं, क्योंकि थाट बिलावल में जो स्वर होते हैं वो सातों के सातों स्वर शुद्ध होते हैं। यानी इसका आरोह आप कह सकते हैं कि सारे गामा पाधा नीसा, और इसका अवरोह सानी धापा मागारेसा। दूसरे तरीके से इसका जो आरोह अवरोह है कैसे किया जा सकता है, इसका आरोह देखना आप। सा रे गामा गा पा नी धा नी सा, और इसका अवरोह सानी धापा मागा मारे सा। आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे, हम सा रे गामा, लेकिन पापर जाने के लिए हम पुनः गा पर लौट के आए और फिर गा पा किया, और पा के बाद सीधे धा पर ना जाके नी धा और फिर नी सा। इस आपने अवरोह में देखा कि सा नी धा पा, पा चूंकि न्यास का स्वर है यानी यहां पर जाके हमको ठहरना है, और सा नी धा पा मा गा, अब इसके बाद रे होना चाहिए था, लेकिन मा गा और पुनः मा पर लौट के आए और फिर रे पर गए, मागा मारे सा। यानी वक्र तरीके से प्रयोग का मतलब सीधे तरीके से उस स्वर पर ना जाके हम घूम के उस स्वर पर जा रहे हैं, यह कहलाता है वक्र प्रयोग। एक दूसरे तरीके से भी आरोह और अवरोह किया जाता है, सारे गारे ग प ध नी धा नी सा। ये होगा अवरोह सा नी धा पा धानी, ये जो नी है ये कोमल नी है, अल्प प्रयोग इसका हो जाता है। अलैया बिलावल में इसका प्रयोग होता है, चूंकि राग बिलावल ज्यादातर लोग इसको अलैया बिलावल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसमें हम ये नी का कोमल प्रयोग, धानी धापा मागा मारे सा। लगभग तीनों आरोह अवरोह एक जैसे ही हैं, क्योंकि सातों शुद्ध स्वर इनमें लगते हैं। और अब इन स्वरों में कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है उनको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। रे स्वर जो है इस पर न्यास बहुत ज्यादा किया जाएगा, लंघन अल्पत्व है यानी इसको लांघ कर बहुत कम जाएंगे हम। गा जो है इसका संवादी स्वर है, ये पूर्वांग का महत्वपूर्ण स्वर है। पूर्वांग, पूर्वांग माने सा रे गामा, इतना कहलाता पूर्वांग, और पाधा नीसा ये कहलाता है उत्तरांग। तो संवादी स्वर जो है वो कहां है, पूर्वांग में है, और पूर्वांग का ये महत्वपूर्ण स्वर है। जैसे हम मागा मारे जो करते हैं ये वक्र तरीके से इसमें होता है इसका प्रयोग। मां आरोह में इसका अल्प प्रयोग है, ये देखिए सारे गारे यानी मां का प्रयोग देखिए, आरोह में हमने यहां पर नहीं किया है। अवरोह में इसका दीर्घ प्रयोग है, यानी मागा मारे सा, मां पर ज्यादा इसका महत्व दिया जाएगा। और पा जो है वो न्यास का स्वर है, पा पर हमारा ठहराव होगा। धा इसका वादी स्वर है, जैसे गा जो संवादी स्वर था, संवादी माने वादी स्वर से थोड़ा कम मात्रा में प्रयोग होगा। संवादी यानी ये मंत्री हो गया, और वादी मतलब हो गया ये राजा स्वर हो गया। इस पर ज्यादा आपको बहुत बार बार इसका प्रयोग करना है, लेकिन ये न्यास का स्वर नहीं है, मतलब यहां पर आप ठहरेंगे नहीं। और कोमलनी जो है ये विवादी स्वर है, ये विवाद पैदा करेगा, इसको बहुत कम मात्रा में अल्प प्रयोग हम इसका करेंगे। और शुद्धनी जो है इसका कभी कभी आरोह और अवरोह में लंघन कर देते हैं, यानी इसको छोड़ देते हैं। जैसे जब आप बंदिश देखेंगे, सा धा पा नी, हमने ये छोड़ दिया है, यानी इसका लंघन कर देते हैं, यानी इसको छोड़ देते हैं। इस राग की पकड़, पकड़ माने जिससे राग पकड़ में आने लगता है, छोटा सा स्वरों का हिस्सा जिससे राग पकड़ में आ जाए उसको कहते हैं पकड़। गारे गा पा धानी सा, ये इसकी पकड़ है। वादी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, धैवत इसका वादी है यानी धा, और संवादी गाह यानी गंधार है। और गायन समय इसका सुबह 7 बजे से 10 बजे तक है, यानी ये प्रातः काल का राग है। थाट बिलावल यानी सारे के सारे स्वर शुद्ध, सातों स्वर शुद्ध लगेंगे। सा पहले काले से रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया आपका आरोह। अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा। तो थाट बिलावल का ही राग है राग बिलावल,
और इसका साधारण आरोह अवरोह तो यही है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। संपूर्ण संपूर्ण यानी आरोह में भी सातों स्वर लग रहे हैं तो संपूर्ण, और अवरोह में भी सातों स्वर लग रहे हैं यानी संपूर्ण, यानी संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति है। इसका आरोह ऐसे भी कर सकते हैं, सा रे गा मा गा पा। मां हमने आरोह में छोड़ दिया, देखिए वक्र तरीके से इसको छोड़ दिया, सा रे गा मा गा पा नी धा, पा से धा पर ना जाकर नी धा नी सा, ये इसका आरोह है। अवरोह सा नी धा पा मा गा मा रे सा सा नी धा पा। यहां तक तो हम सीक्वेंस में आए, मा गा, लेकिन गा से रे पर ना जाकर मा गा मा रे सा, ये इसका आरोह और अवरोह दूसरे प्रकार से हो गया। इसका तीसरे प्रकार से आरोह अवरोह, देखिए आरोह देखिए पहले, सारे गारे गा पा धा नी धा नी सा, और इसका अवरोह देखिए, सा नी धा पा। अब यहां जो हम धानी धापा कर रहे हैं इसमें कॉमन नहीं ले रहे हैं, धानी धापा सानी धापा धानी धापा मा गा मा रे सा। बस थोड़ा सा परिवर्तन हमने यहां पर किया है। दूसरा भी राग है अलैया बिलावल, थर्ड बिलावल से, उसमें हम ये कोमल नी का प्रयोग भी करते हैं, सानी धापा धानी धापा धानी धापा मा गा मा रे सा, और इसकी पकड़ गा रे गा पा धानी सा गा रे गा पा धानी सा। बस इतना करते से ही ये राग पकड़ में आने लगता है। थाट बिलावल के 10 महत्वपूर्ण राग देखिए, अलहिया बिलावल, नंबर दूसरा विहाग, नंबर तीन देशकार, चौथा हेम कल्याण, पांचवा दुर्गा, छठवा संकरा, सातवा पहाड़ी राग, आठवा भिन्न सड़ज और नौवा हंसध्वनि राग और दसवा मांड। ये 10 राग इसके महत्वपूर्ण राग मैंने बता दिए, हालांकि एक थाट से 484 राग बनते हैं। इस राग की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, ये उत्तरांग प्रधान राग है। उत्तरांग प्रधान यानी पूर्वांग में हमारे सारे गामा और उत्तरांग में पाधा नीसा, यानी इसका जो वादी स्वर धा है वो उत्तरांग में है। उत्तरांग में इसका वादी स्वर होने के कारण इसका जो गायन समय है ये दिन का प्रथम पहर माना जाता है, लेकिन मैंने अभी इसके पहले इसको द्वितीय पहर बता दिया है, लेकिन इसका जो गायन समय है वो दिन का प्रथम पहर ही है, यानी सुबह 4 से 7। एक पहर, ये जो प्रथम पहर है 4 से 7, दूसरा पहर शुरू होता है 7 से 10 तक, तो इसका प्रथम पहर इसका गायन समय है। और इसमें जो रस है वो भक्ति रस और श्रृंगार रस इस राग का रस है। प्रकृति इसकी गंभीर है, गंभीर प्रकृति का ये राग है। और इसका जो नामकरण है ये गुजरात के बैरावल, नाम सुना हो गया आपने जब सोमनाथ गए होंगे तो, क्योंकि सोमनाथ का ये प्रसिद्ध बंदरगाह है बैरावल, इसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। सातों शुद्ध स्वर इसमें लगते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा सानी धा पा मा गा रे सा, वर्जित इसमें कोई भी स्वर नहीं है। राग बिलावल पर आधारित कुछ फिल्मी गीत आप देख सकते हैं, एक प्यार का नगमा है, दूसरा जिंदगी प्यार का गीत है, तीसरा छूकर मेरे मन को, चौथा हमारी जो आरती है ओम जय जगदीश हरे, फिर पांचवा लग जा गले कि फिर यह हंसी रात हो या हो ना हो, छठवा भर दो झोली मेरी, सातवा कौन कहता है भगवान आते नहीं, आठवा अपनी संतोषी मां, नौवा मैं जट यमला पगला दीवाना, दसवा उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ग्यारहवा दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, बारहवा दिल है छोटा सा, चौदहवा केसरिया बाल मां,
पधारो मारे देश। पंद्रवा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। ये जो गीत हैं ये राग बिलावल पर आधारित हैं, क्योंकि इनमें सभी में शुद्ध स्वर लगते हैं। राग बिलावल पर आधारित ये कुछ गीत थे। एक गीत और है लता जी का, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। बहुत ही मधुर राग, और इस राग का मैंने आपको परिचय दिया है। अगले पार्ट में मैं इस राग की एक बंदिश बताऊंगा, उसकी सरगम गीत बताऊंगा, उसका लक्षण गीत बताऊंगा, इसकी तान वगैरह अगले पार्ट में आएंगी। तो तब तक आप इस राग का परिचय अच्छे से समझ लीजिए, और अगले वीडियो में हम ये सब कुछ लाने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रामबाबू पटेल तेलसर मेरा यूट्यूब चैनल है, और रामबाबू पटेल तेलसर पेज ये मेरा फेसबुक पेज है। तो आप इन दोनों को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ।